कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि आज से हजारों साल पहले फॉक्स कबीले की रानी नाइनटेल ने अपने राजा को मार करके साम्राज्य हड़प लिया था, जिसके बाद नाइनटेल ने अपने फॉक्स डीमंस के साथ धरती पर कब्जा करना चाहा, जिससे कि उस समय एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ। इस युद्ध में धरती पर मौजूद सभी जीवित प्राणी मुसीबत में पड़े। तब जिंगसू हॉल के मास्टर ने अपने सबसे होनहार शिष्य जियांग जिया को नाइनटेल को बंदी बनाकर लाने को कहा। इसके बाद जियांग जिया ने नाइनटेल के सभी फॉक्स डीमंस को खत्म कर दिया और फिर नाइनटेल को भी बंदी बना लिया। इससे जियांग जिया से मास्टर बहुत खुश थे, इसलिए उन्होंने जियांग जिया को स्वर्ग में बुलाया, जिसके बाद में वो जियांग जिया को स्वर्ग की गद्दी पर बैठाना चाहते थे। जब जियांग जिया स्वर्ग में पहुंचा तब मास्टर ने जियांग जिया से कहा कि अभी तुम्हें नाइनटेल को खत्म करना होगा, जिसके बाद तुम जिंगसू हॉल के मास्टर बन जाओगे और यहाँ पर मौजूद सभी शिष्य तुम्हारा आदेश मानेंगे। इसके बाद में जियांग जिया नाइनटेल को मारने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद नाइनटेल को उसके सामने लाया गया। तभी नाइनटेल ने अपने भ्रम से सबको डराने की कोशिश की, लेकिन जियांग जिया ने उसके भ्रम को तोड़ दिया। इसके बाद जब जियांग जिया नाइनटेल को मारने आगे बढ़ा तो नाइनटेल कहती है कि तुम मुझे तो मार दोगे, लेकिन मेरे अंदर मौजूद इस मासूम लड़की को भी मार दोगे। लड़की को देख करके जियांग जिया मास्टर से कहता है कि नाइनटेल के अंदर एक लड़की है, जिस पर मास्टर कहता है कि ये नाइनटेल का एक भ्रम है। लेकिन जियांग जिया को भरोसा होता है कि वो भ्रम नहीं है और वो लड़की नाइनटेल के अंदर है, इसलिए वो नाइनटेल को नहीं मारता है। तभी मास्टर अपनी पवित्र रस्सी से नाइनटेल को मारते हैं, लेकिन जियांग जिया लड़की को बचाने के लिए उसकी आत्मा को बाहर निकाल देता है। ये देख करके मास्टर बहुत गुस्सा होता है और वो जियांग जिया से उसकी पावर्स को छीन लेता है। मास्टर जियांग जिया से कहता है कि जब तक तुम नाइनटेल के भ्रम से आजाद नहीं होते तब तक तुम धरती के उत्तरी सागर में रहोगे और यही तुम्हारी सजा है। इसके बाद कहानी 30 साल बाद प्रेजेंट टाइम में आते हैं, जहां पर हम उत्तरी सागर में मौजूद जियांग जिया को देखते हैं, जो अब भी नाइनटेल के अंदर मौजूद उसी लड़की को देख रहा होता है। तभी वहां पर टाइसू आ जाता है, जो कि जियांग जिया का साथी शिष्य होता है। उसे मास्टर ने जियांग जिया पर नजर रखने को कहा होता है। तभी टाइसू जियांग जिया से कहता है कि ये तुम्हारी जगह नहीं है, तुम्हें स्वर्ग में चलना चाहिए और मान लेना चाहिए कि वो तुम्हारा भ्रम था। लेकिन जियांग जिया उसकी बात नहीं सुनता है। इसके बाद में टाइसू चला जाता है। यहाँ पर हम जियांग जिया के साथ में फोर लेग्स को देखते हैं, जो कि एक जादुई प्राणी होता है। इसके बाद में जियांग जिया खाना खाने के लिए एक जगह पर जाता है जहाँ पर मॉन्स्टर्स होते हैं, क्योंकि लड़ाई के दौरान सिर्फ मॉन्स्टर ही धरती पर बचे होते हैं और इंसान लगभग खत्म हो चुके होते हैं। तभी यहाँ पर जोई आती है और ये वही लड़की होती है जिसे जियांग जिया ने नाइनटेल के अंदर देखा था। जियांग जिया जोई को देख करके हैरान रह जाता है। इसके बाद में जोई वहाँ पर मौजूद सभी लोगों से पूछती है कि क्या कोई जानता है कि काले फूल कहाँ पर उगते हैं। तभी बार का मालिक जोई से कहता है कि काले फूल सिर्फ माउंट यूडी पर उगते हैं और वहाँ जाने का मैप मेरे पास है, लेकिन इसके लिए तुम्हें पैसे देने होंगे। तब जोई पैसों का बैग बार के मालिक को देखते हैं। जब बार का मालिक बैग चेक करता है तो उसमें पत्थर होते हैं। तभी जोई वहाँ पर मौजूद मैप को उठा लेती है और वहाँ से भागने लगती है, इससे कि सभी लोग उसे पकड़ने लगते हैं और वहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है। तभी जोई के हाथों से वो मैप गिर जाता है, लेकिन फोर लेग मैप को निकल लेता है। तभी बार का मालिक जोई पर कुल्हाड़ी फेंकता है, जिससे कि जोई के सर से कपड़ा हट जाता है और वो एक फॉक्स डीमन में बदल जाती है, जिसे देख करके सभी डरने लगते हैं। लेकिन सब लोग उसको मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जोई वहाँ से भाग जाती है। तभी जियांग जिया भी जोई के पीछे पड़ जाता है, क्योंकि वो जोई की सच्चाई को जानना चाहता है। लेकिन जोई भागते हुए उत्तरी सागर की सीमा से बाहर चली जाती है, लेकिन जियांग जिया को रुकना पड़ता है, क्योंकि मास्टर ने उसे उत्तरी सागर की सीमा में रहने को कहा होता है। तभी वहाँ पर टाइसू आ जाता है। वो जियांग जिया से कहता है कि अच्छा हुआ कि तुमने उत्तरी सागर की सीमा को पार नहीं किया, नहीं तो मास्टर बहुत गुस्सा होते। तभी जियांग जिया फोरलेग के साथ में जोई को ढूंढने के लिए उस सीमा से बाहर चला जाता है। वहीं टाइसू को कुछ मॉन्स्टर बेहोश कर देते हैं। अब जियांग जिया जोई को एक घने से जंगल में पकड़ लेता है। वो जोई से कहता है क्या तुम नाइनटेल के साथ मिली हुई हो, जिस पर जोई कहती है कि वो किसी नाइनटेल को नहीं जानती है। तभी वहाँ पर फॉक्स डीमन की आत्माएं आती हैं, वो जोई को अपने साथ ले जाना चाहती हैं। तभी जियांग जिया आग जला देता है, जिससे कि डीमन चले जाते हैं और जोई बच जाती है। जियांग जिया जोई से पूछता है कि आखिर फॉक्स डीमन तुम्हारे पीछे क्यों पड़े, जिस पर जोई कहती है कि जब से मैंने आंखें खोली हैं ये डीमन तब से मेरा पीछा कर रहे हैं। वो बताती है कि उसे उसका पास्ट भी याद नहीं है, लेकिन इस ब्रेसलेट की वजह से मुझे एक ही सपना आता है कि मेरे पिता मुझे बुला रहे हैं और वो काले फूल वाली जगह पर है। मैं बस अपने पिता को बचाना चाहती हूँ, जिससे कि मैं अपनी सच्चाई को जान सकूँ कि आखिर मैं कौन हूँ। अब जियांग जिया जोई के साथ माउंट यूडी जाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो जोई की सच्चाई को जानना चाहता है। इसके बाद में फोरलेग अपने अंदर से मैप को निकालता है। इसके बाद में ये तीनों मैप के अनुसार माउंट यूडी की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में जोई कई बार मैप को चुराने की कोशिश करती है, लेकिन फोरलेग मैप को चुराने नहीं देता है। इससे जोई गुस्से में आकर के चीखने लगती है। तभी फोरलेग जोई का बैग चुरा लेता है और वहाँ से भाग जाता है, जिस पर जोई और जियांग जिया फोरलेग के पीछे पीछे जाते हैं और एक जगह पर पहुँच जाते हैं।
करके, जहाँ पर बहुत सारी बिंड चैने लटकी होती हैं। तभी जोई जियांगजिया से पूछती है कि ये चीज़ें क्या है, जिस पर जियांगजिया कहता है कि ये बिंड चैने हैं, इनकी आवाज़ों से युद्ध में मरे लोगों की आत्मा शांत हो जाती हैं। इसके बाद में ये लोग आगे के सफर पर निकल जाते हैं और एक फिलोटे नाम की जगह पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर इन्हें एक इंसान मिलता है जो कि मरने की कगार पर होता है। वो जियांगजिया से पानी मांगता है, तभी आदमी जोई को देख लेता है। वो समझ जाता है कि जोई एक फॉक्स डीमन है। वो जोई को मारने की कोशिश करता है, तभी जोई कहती है कि ये तो एक फॉक्स हंटर है, और वो उस आदमी को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन जियांगजिया उसे रोकता है। तभी वो आदमी मरने से पहले जियांगजिया से कहता है कि माउंट यूडी पहाड़ पर एक शैतान है, ये कहते हुए वो आदमी मर जाता है। तभी जोई मैप चुरा करके भाग जाती है और वो एक जगह पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे कौए उस पर अटैक कर देते हैं, जिससे कि जोई के हाथों से खून निकलने लगता है। अब जैसे ही खून धरती पर गिरता है तो धरती से डीमंस निकलने लगते हैं और वो एक बड़े से राक्षस में बदल जाते हैं और वो जोई पर अटैक कर देते हैं। वहाँ पर जियांगजिया आ जाता है और वो जोई को बचा लेता है और खुद राक्षस से लड़ने लगता है। फोर लेग भी राक्षस से लड़ता है लेकिन वो बेहोश हो जाता है। तभी जियांगजिया जोई को फोर लेग के साथ जाने को कहता है, जिसके बाद में जोई फोर लेग को लेकर के जाने लगती है। तभी फोर लेग जाग जाता है और वो जियांगजिया की मदद के लिए जाता है, जिसके बाद में जोई भी उसकी मदद के लिए जाती है, लेकिन राक्षस के सामने जियांगजिया कमजोर पड़ रहा होता है क्योंकि उसके पास उसकी पावर्स नहीं होती है। तभी जोई के बैग से एक बिंड चैन निकल के नीचे गिर जाती है, जिसकी आवाज से वो राक्षस शांत हो जाता है। तभी जोई उस बिंड चैन को नीचे फेंक देती है, जिससे कि वो सारे के सारे डीमन नीचे चले जाते हैं। फोर लेग जोई को अपना दोस्त बना लेता है क्योंकि उसने जियांगजिया की मदद की होती है। जाते हैं। अब ये तीनों माउंट यूडी तक पहुंच जाते हैं, जहां पर काले फूल होते हैं। तभी वहां पर टाइसू आ जाता है। वो जियांगजिया से कहता है कि तुम उत्तरी सागर की सीमा से बाहर हो, तुम्हें वापस चलना होगा और तुम इस फॉक्स डीमन पर भरोसा कर रहे हो, तुम्हें ये धोखा देगी। तभी जियांगजिया कहता है कि ये वही लड़की है जिसे मैंने नाइनटील के अंदर देखा था, मैं बस सच जानना चाहता हूँ। टाइसू जोई का गला पकड़ लेता है और उस पर अटैक करता है, लेकिन फोर लेग उसे बचा लेता है, लेकिन टाइसू के बार से फोर लेग और जोई दूर जाकर के गिरते हैं। तभी जियांगजिया टाइसू से लड़ने लगता है, वहीं जोई फोर लेग को ढूंढने जाती है। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, वो आवाज़ का पीछा करते हुए एक जगह पर पहुंच जाती है, जहां पर एक पागल आदमी होता है। वो जोई को पकड़ लेता है, तभी वो आदमी जोई के ब्रेसलेट को देख लेता है, इसे देखते ही वो डरने लगता है। वो जोई से कहता है ये तो नेति का ताला है, जिससे कि दो आत्माएं एक साथ बांधी जाती है, तुम एक फॉक्स डीमन हो और तुम्हारे अंदर एक और आत्मा है। वो कहता है कि मेरी पत्नी को भी तुम्हारी जैसी फॉक्स डीमन ने मार दिया था, इसलिए वो बदला लेने के लिए जोई को मारने ही वाला होता है। तभी जोई के अंदर से फॉक्स डीमन की पावर बाहर आ जाती है, जिससे कि वो आदमी मर जाता है। अब पावर्स की वजह से जोई चीखने लगती है, जोई की आवाज़ सुनते ही जियांगजिया और टाइसू भी वहाँ पर आ जाते हैं। तभी फॉक्स डीमन की पावर जोई को लेकर के जाने लगती है, जिसके बाद में जियांगजिया और टाइसू भी उसके पीछे जाते हैं और वो एक जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर नाइनटेल होती है। वो जोई को पकड़ लेती है, जिसके बाद में जियांगजिया और टाइसू नाइनटेल को देख करके हैरान रह जाते हैं। जिसके बाद में जियांगजिया नाइनटेल से पूछता है कि तुम अभी तक जिंदा कैसे हो, जिसके बाद में नाइनटेल कहती है जब तुमने इस लड़की की आत्मा को आजाद किया था, मैं भी आजाद हो गई थी और मैंने अपनी पावर्स की मदद से एक नए शरीर को बनाया है। वो बताती है कि इस ब्रेसलेट की वजह से जोई और मेरी आत्मा एक साथ में बन गई थी। वो बताती है कि जोई भी एक आम इंसान थी, लेकिन उसकी शादी वाले दिन मैं उसके अंदर चली गई थी और इस ब्रेसलेट की वजह से मेरी पावर्स जोई के अंदर ही रह गई है। अब मैं जोई के शरीर के अंदर चली जाऊंगी और अपनी पावर्स को वापस ले लूंगी। तभी नाइनटेल जोई के अंदर जाने ही वाली होती है, तभी जियांगजिया और टाइसू नाइनटेल पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो नाइनटेल के सामने बहुत ही कमजोर होते हैं। तभी वहां पर फोर लेग आ जाता है और वो नाइनटेल पर अटैक करता है। वो जियांगजिया टाइसू और जोई को अपनी पीठ पर बिठा करके वहां से लेकर के चला जाता है। तभी फोर लेग कुछ दूर जाने के बाद में नीचे गिर जाती है क्योंकि नाइनटेल ने उसे घायल कर दिया होता है। इसके बाद में फोर लेग मर जाती है और उसकी आत्मा जियांगजिया और जोई से मिलकर के चली जाती है। अब टाइसू जियांगजिया से कहता है कि जोई को वो नियति का ताला मास्टर ने ही लगाया था, लेकिन जब तुमने कहा था कि नाइनटेल के अंदर जोई है, तब उन्होंने ऐसा क्यों कहा था कि वो एक भ्रम है? जिस पर जियांगजिया कहता है कि इसका जवाब तो सिर्फ मास्टर के पास ही है। इसके बाद में जियांगजिया जिंगसू होल के लिए जाने लगता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता है क्योंकि मास्टर ने उसे अभी माफ नहीं किया होता है। तभी टाइसू अपनी पावर से जियांगजिया को मास्टर के पास भेज देता है, जिसके बाद में जियांगजिया मास्टर से पूछता है कि आपने जोई के साथ ऐसा क्यों किया। जिस पर मास्टर कहता है कि नाइनटेल को खत्म करने के लिए उसे एक शरीर में कैद करना जरूरी था और पूरी दुनिया को बचाने के लिए एक इंसान की कुर्बानी देना कोई बड़ी बात नहीं है। मास्टर जियांगजिया से कहता है कि तुम दयालु हो, अगर हम तुम्हें बता देते कि नाइनटेल के अंदर वो लड़की है तो तुम उसे नहीं मारते, इसलिए हमने तुम्हें यह सच्चाई नहीं बताई। जिस पर जियांगजिया कहता है कि उसके लिए एक इंसान की आत्मा उतनी ही जरूरी है जितनी कि 1000 लोगों की। जिसके बाद में मास्टर जियांगजिया से कहता है कि जोई इस जन्म में आजाद नहीं हो सकती है, लेकिन उसका पुनर्जन्म हो सकता है, इसलिए तुम जोई को लेकर के नए जीवन की ओर जाओ। ये कहते हुए मास्टर जियांगजिया की पावर्स वापस दे देता है। इसके बाद जियांगजिया मास्टर को धन्यवाद कहकर वहां से चला जाता है और वो जोई और टाइसू के साथ में नए जीवन के दरवाजे पर आ जाते हैं। इसके बाद में जियांगजिया अपनी छड़ी से नए जीवन का दरवाजा खोल देता है। तभी उन्हें नाइनटेल की आवाज सुनाई
सुनाई देती है, वो इसी तरफ आ रही होती है। तभी टाइसू जियांगजिया को जोई को ले जाने को कहता है और खुद नाइनटेल को रोकने के लिए रुकता है। अब जियांगजिया जोई को ले जा रहा होता है, वो जोई से कहता है कि अब तुम्हारा पुनर्जन्म होगा जिससे कि तुम्हें एक नए परिवार का सुख मिलेगा। वहीं नाइनटेल को रोकने के लिए टाइसू उससे लड़ रहा होता है, लेकिन नाइनटेल के सामने वो बहुत ही कमजोर होता है। तभी नाइनटेल टाइसू को मार देती है। वहीं जियांगजिया जोई के साथ में नए जीवन के चैम्बर तक पहुंच जाता है, जिसके बाद में जोई चैम्बर में चली जाती है। लेकिन तभी वहां पर नाइनटेल आ जाती है, वो चैम्बर को तोड़ देती है जिससे कि जोई के साथ साथ चैम्बर में बंद फॉक्स डीमन की आत्मा भी बाहर आ जाती है। ये देख करके जियांगजिया बहुत ही हैरान जाता है। वो नाइनटेल से कहता है कि ये आत्मा चेंबर में बंद थी, फिर भी इनका पुनर्जन्म क्यों नहीं हुआ। तब नाइनटेल सच बताती है, वो बताती है कि लड़ाई के दौरान मास्टर ने मुझे पूरे फॉक्स साम्राज्य का अंत करने को कहा था और उसके बदले वो मुझे देवता बनाने वाले थे, लेकिन मास्टर ने मुझे धोखा दिया। उन्होंने मुझे देवता भी नहीं बनाया और ना ही फॉक्स डीमन की आत्माओं का पुनर्जन्म होने दिया। अब नाइनटेल सभी फॉक्स डीमन की आत्माओं के साथ में देवताओं पर अटैक करने जाने लगती है। तभी मास्टर अपने दिव्यास्त्र से नाइनटेल पर अटैक कर देते हैं। वहीं जियांगजिया जोई को नाइनटेल के अंदर से आजाद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम रहता है। तभी दिव्यास्त्र की वजह से नाइनटेल के साथ साथ जोई भी मर जाती है। अब नाइनटेल के मरने के बाद मास्टर जियांगजिया को स्वर्ग में बुलाता है और उसे राजा बनने को कहते हैं, लेकिन जियांगजिया कहता है कि वो ऐसा देवता नहीं बनेगा जो कि मासूमों की बलि देता हो और किसी को सुधरने का मौका भी ना दे। तभी जियांगजिया गुस्से में आकर स्वर्ग और धरती के बीच मौजूद सीढ़ी को तोड़ देता है जिससे कि सभी आत्माओं का पुनर्जन्म हो जाता है। अब कई सालों के बाद धरती पर इंसान और जीव जंतुओं का फिर से जन्म होता है। अब धरती पर फिर से खुशहाली आ जाती है। वहीं हम फोरलेग जोई और टाइसू को देखते हैं जिन्होंने पुनर्जन्म ले लिया होता है। जोई टाइसू की बेटी होती है और वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। और इसी के साथ में इस फिल्म का यहीं पर अंत होता है। अगर आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।